इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश, प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप, सविता सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मैं संगीता जैन, मेरी जिज्ञासा है कि जब जीवन का अंत हो तो हमारा मरण समाधि पूर्वक ही हो, ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि समाधि पूर्वक ही मरण हो? नमोस्तु। देखें, ये बड़ी समस्या है कि अंतिम समय में समाधि मरण करना है, तो जिस दिन जन्म लिया है ना, उस दिन से उसकी तैयारी प्रारंभ करना पड़ती है। कोई एक दिन में समाधि मरण नहीं होता है। कब से? जिस दिन जन्म हुआ है वो समझदार हो जाए, उस दिन से समाधि मरण की तैयारी होती, क्योंकि समाधि मरण के लिए संसार के भोगों का त्याग करना पड़ता है, और एक दिन में कोई त्याग होता नहीं है। बचपन से जब हम 8 साल के हो जाते हैं योग्य व्रतों को धारण करने में, तब से हमें संयम के साथ रहने का, जैसे नमक है, 66 रस हैं, इनके खाने के लिए हमें संयम का ध्यान रखना पड़ता है कि आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, या आज मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, या आज मैं घी नहीं खाऊंगा, मंदिर में जब तक बैठूंगा जब तक पंखे का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि समाधि मरण करने के लिए पांचों इंद्रियों को वश में करना है। कितनी इंद्रियों को? पाँचों इंद्रियों। तो 66 रस से तो रसना इंद्री होश में हो जाएगी, स्पर्शन इंद्री की ये जो पंखे उनके मंदिर में चलाते हैं ना, तो कम से कम इतना नियम तो जरूर कर दे कि जब तक मंदिर में बैठे हैं जब तक पंखे, कूलर और इनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या होगा, आगे जा करके आदत से आ जाएगी, आदत में आ जाएगा कि हमें कोई असर नहीं होता है। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है। अब भजन सुनने की प्रैक्टिस रखो, जिनवाणी को सुनने, अब दिन पूरे 24 घंटे नो जीवन भर तो अनुपमा क्या है, अनुपमा नाटक आता ना एक, वो देखा, वो सुना है ना, अब आखिरी में आपको भजन सुनाया तो कैसे अच्छा लगेगा। तो बचपन से आदत होनी चाहिए भजन सुनने की, संगीत सुनने की। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है। अब दिन भर हमेशा तो आपने खूब अच्छी खुशबू चाहिए, खूब खुशबू चाहिए। अब समाधि मरण के समय कई प्रकार के आपके पास रोग आएंगे, बदबू भी आएगी आसपास जहाँ बैठें, तो घ्राण इंद्रिय को भी कंट्रोल करना है। तो ये बचपन से होता है, बचपन से मतलब जिस दिन से आप धर्म करना प्रारंभ कर दो तब से समाधि मरण प्रारंभ होता है। और अचानक समाधि मरण करें तो बहुत पुण्यशाली व्यक्ति जो कर पाते, बाकी के तो भाव और परिणाम गिरते ही गिरते हैं। बहुत पुण्यशाली हैं जो कर पाएंगे, पर अधिकांश हमने देखने को मिला कि अंतिम समय में समाधि करना पड़ती है, तो वो मतलब ये हो गया कि उसके भाव गिरेंगे, बहुत कम पुण्यशाली हैं। तो ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो ये शुरू से आपका अगर मन है समाधि मरण करने का, तो आज से नियम कर लें कि अब मैं आज ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं ऐसा नहीं खाऊंगी, इन प्रकार से नियम कर, अने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना है। जब तक पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा ना, तब तक समाधि मरण कर ही नहीं सकते हो। तो आज से नियम करो कि पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करूंगी। भैया, शादी करने के बाद बच्चा भी आता है तो 9 महीने रखते कम से कम, है ना, तब जा करके कहते कि बच्चा पैदा हो गया है। बच्चा पैदा होने के बाद उसको बड़ा करने में भी 9-10 साल लगते हैं। तो फिर ये तो जब बच्चा पैदा करना और बच्चे को बड़ा करना इतना है, तो ये तो जीवन मरण का सवाल है। तो कम से कम 9 साल की प्रैक्टिस तो, 9 महीने की 9 साल की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। इसे समाधि, इसे तो ये जो संयम हमारे यहाँ कहा गया है ना, पूजा पाठ त्याग, ये सब समाधि मरण की तैयारी है। हमारा समाधि मरण कब से शुरू होता है पता है? जिस दिन संस्कार हो जाते हैं ना 28 मूल गुणों के, उस दिन से समाधि मरण शुरू। दीक्षा का मतलब ही समाधि मरण की तैयारी, क्या समझे? दीक्षा का तात्पर्य कि समाधि मरण, आज से त्याग का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। और उत्कृष्ट समाधि मरण क्या कि 12 साल का रहते हैं ना, जो 12 साल में करना है, तो 12 साल में त्याग करना प्रारंभ करते थे साधुओं को भी, कि आप 12 साल के अंदर अंदर समाधि मरण करना है तो आप धीरे धीरे खाना छोड़ो, शरीर को शिथिल करो, शरीर को हष्ट पुष्ट करते हो खा पी करके, है ना, तो कैसे होगा?
तो सब समाधि मरण किए, जब से धर्म कर रहे हैं तब से ही हमारा समाधि मरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब पूरा संयम आ जाता है तो अपने आप संयम के साथ जब मरण करते हैं तो समाधि मरण ही है। ओम नमः। मैं मंजू अजमेरा। महाराज जी, संलेखना का अभी जो आपने विवरण बताया उसी से रिलेटेड एक मेरा प्रश्न है। अभी मोहता भवन में हमारी माता जी हैं कोयला वालों की, उनकी संलेखना चल रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि 4-5 घंटे से ज़्यादा इनकी आयु नहीं है, लेकिन अभी 21 दिन हो गए और बहुत पुण्य से उनकी अभी संलेखना चल रही है। बीच में उपवास भी आया है और महाराज जी ने शायद उनको 10 प्रतिमा भी धारण करवा दी। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछा, ये किस पुण्य का उनका उदय है कि जो 4-5 घंटे में जवाब दे दिया और आज उनको इतना धर्म करने का अवसर मिल रहा है? देखें, बहुत सीधी बात है कि पहले तो तुम ये विश्वास कर लेना कि हमारी मरण का समय डॉक्टर तय नहीं कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया तो मर ही जाएगा, जब तक आयु कर्म पूर्ण नहीं होगी तब तक वो मरण को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। तो डॉक्टरों पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी गलती है आपके पहले तो, है ना, कि डॉक्टर ने कह दिया कि मर जाएगा, तो ये एक आपकी धारणा गलत है। जब तक आयु कर्म नहीं होगा तब तक व्यक्ति का मरण होता ही नहीं है, निश्चित रूप से मरण नहीं होगा। चाहे वो कितना भी तड़पे, कितनी भी कोशिश कर ले, उनका मरण संभव नहीं है। और फिर माता जी ने तो समाधि मरण स्वीकार किया है, और समाधि मरण स्वीकार किया तो अकाल मरण तो होना नहीं उनका। अकाल मरण का होता है आयु कर्म के आयु जितनी आयु है उससे पहले मरण हो जाना। अब उनकी आयु कितनी है ये विषय हमारा है नहीं, केवल ज्ञानी का विषय है कि केवल ज्ञानी क्या कहता है। आप तो ये कहते हो, हम स्मृति नगर में थे और एक परिवार था, सुषनेस के पास का कोई गांव है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसको एम्बुलेंस हम लेकर के आए कि बस डॉक्टर ने कहा कि 2-3 घंटे का है, और डॉक्टर ने उसको छोड़ दिया कि आप घर ले जाओ, और घर पे उसको ज़मीन में लेटा दिया, बाहर 10-15 कुर्सियाँ लगा दी, लोग दुपट्टे डाल करके बैठे कि निकले और जाएं, क्योंकि 2-2.30 बज रही थी और डॉक्टरों ने कह दिया कि जाना है। शाम को 4:30-5 बज गई, हमको वापस बुलाने आए, हम गए तो मैंने कहा कोई जादू नहीं था, जैसे शास्त्रों में कहा है कि जब तक शरीर ठंडा नहीं पड़े, जब तक जीव निकलता नहीं, तो उनका शरीर तो पूरा गर्म है, कुछ होने नहीं है। अब डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया हॉस्पिटल से, अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तो उनको वापस हॉस्पिटल में भर्ती किया, है ना, और 3 दिन बाद वापस चल करके मेरे पास वो आ गया, है ना, और बाद में 2-3 महीने बाद उसका मरण हुआ बताते हैं। तो डॉक्टरों के कहने से नहीं होता है आयु कर्म में। और समाधि मरण, माता जी ने अगर समाधि मरण स्वीकार किया है इसका मतलब उनके कहीं भावों के पुण्य का उदय है। कोई समाधि मरण 1-2 पुण्य का, मैंने पहले भी कहा था 1-2 भाव की बात नहीं होती, बहुत पुण्य का उदय होता है तब समाधि मरण करते हैं। तो माता जी का निश्चित रूप से पुण्य का उदय है। अब उनकी कब होगी ये तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही बता सकता है कि उनका समाधि मरण कब होगा। पर निश्चित रूप से अब समाधि मरण चल रहा है तो हमारे यहाँ तो इतना कहा है कि समाधि मरण के समय सारे उत्सव सारे त्यौहार खत्म करके बंद करके मात्र समाधि में लगा देना चाहिए साधुओं को भी, और जिस संघ में हैं जहाँ पर हैं तो फिर उस संघ में किसी प्रकार का उत्सव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार को कार्यक्रम नहीं हो करके, क्योंकि हम उत्सव में रहें और उसके प्राण छूट जाए तो उसका तो समाधि मरण ही बिगड़ जाएगा, फिर कौन संबोधित करेगा, कौन करेगा। तो ये जरूर आया कि जब समाधि महोत्सव कहा है हमारे शास्त्रों में, क्या कहा है, समाधि भी एक महोत्सव है, जब हम किसी की समाधि करते हैं तो निश्चित रूप से उसको महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए, उनका संबोधन होना चाहिए, और उनके अंदर हम कितना उनको दृढ़ कर सकते हैं कि तुम्हारे भाव न बिगड़े, इस प्रकार से समाधि मरण की प्रक्रिया को हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। ओम नमः। मैं मीनाक्षी शाह, अगणित नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो सब कुछ मालूम है कि संभाव रखना चाहिए तो कर्मों की निर्जरा होगी, पर तो भी आर्तधन रौद्रधन हो जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या पुरुषार्थ करें कि हम अपने आप में स्थित रहें? देखिए, हम जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जब करते हैं
तो कोई एक दिन के पुरुषार्थ से मिटता ही नहीं है। हम जो जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, किसी के प्रति कसाय का भाव आ गया, किसी के प्रति त्याग का भाव आ गया, किसी के प्रति मारने का भाव आ गया, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया, ये छोटी छोटी कसाय, छोटी छोटी बातें हमारे मन में रह जाती है और फिर हमको समय में उदय में आती है, समय में वो आत्र ध्यान रुद्र ध्यान हमारे कराती। तो ये जो धर्म से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में किसी भी स्थिति में हमें कभी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने दें हम, क्योंकि क्या होता है, ईर्ष्या कैसे हुई, जैसे मैं भक्तामर विधान आपको करना था, रोज़ आप ही सबको बादाम देती हैं, एक बात है, और कई दिन कोई नया व्यक्ति आके दे दिया तो आपने, आपके मन में आ गया कि इसने आज कैसे शुरू कर दिया, मैं ही आगे शुरू करती हूँ, तो ये अगर आपके अंदर आ गया है तो वो फिर आपके अंदर राग द्वेष की परिणति बनेगी और फिर वो आत्र रोध ध्यान होगा कि भक्तामर विधान आप करोगे तो सही, पर मन में रहेगा हर बादाम में कि आज इसने क्यों शुरू कर दिया, आज इसने क्यों शुरू कर दिया, आज इसने क्यों शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि हमारे अंदर किसी के प्रति न राग हो न द्वेष का भाव हो, क्योंकि राग द्वेष मूल कारण है हमारे आत्र रोध ध्यान के, भाव कर्म है। तो राग द्वेष धर्म के किसी भी क्रिया में कभी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई कैसा भी करे, कोई कैसा भी करे, पर हमें अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको भक्तामर विधान करना आप करें, किसी ने शुरू कर दिया है, किसी ने एक उदाहरण दिया है मात्र, तो अब मुझे बताओ कि हमें एक छोटा सा उदाहरण दो, इतनी सी गली है, इतनी सी गली है और उधर से एक सांड आ रहा है, इधर से हम जा रहे हैं और दो में से एक ही कोई निकल सकता है और आप भी आधी दूर पहुंच गए और वो उधर से निकल रहा है, तो क्या करोगे उस समय, कि सांड को निकालोगे, साइड में होने की जगह ही नहीं है, क्या करोगे, पीछे ही आना पड़ेगा, सांड को तो नहीं निकालोगे ना, क्यों, आप मालूम है कि सांड को छेड़ेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो हमको कर्म बांधने की कोशिश, ये सब सांड है क्या, ये तो इन सांडों से बच करके अपने आप को निकाल दो, जो हमें राग द्वेष की उत्पत्ति करा रहे हो, जो हमारे कसाई की उत्पत्ति, ये सब सांड है और इनको थोड़ा सा भी छेड़ा तो इनका कुछ बिगड़े न बिगड़े पर तुम्हारा निश्चित बिगड़ना है, कि तुम्हारे भाव परिणाम खराब होना है। तो बस ऐसा ही समझ लेना कि जब आत्र रोध ध्यान आए और किसी न किसी निमित्त से आएगा तो उनको सांड मान करके फटाक से बाहर निकलने की कोशिश करना, उसमें रचने पचने की कोशिश मत करना। अगर रचने पचने की कोशिश करोगे तो ये आत्र ध्यान रोध जाएंगे और एक दिन में छूटता नहीं है, कहीं भाव के फल है उसके निमित्त से फिर हमें ये सब छूटता है। धर्म इसी अभी कर रहे हैं कि आज हम आम के पेड़ का एक बीज बोते हैं ना तो 10 साल बाद तो आम खाने को मिलता है, पर 10 साल उसकी सुरक्षा करना पड़ती है। ऐसे ही हमारे अंदर के भावों को कितना सुरक्षित रखना है कि उसका परिणाम तो समाधि मरण के समय या आयु कर्म के बंद के समय पता चलेगा कि हम कैसे परिणाम थे। तो जीवन भर परिणामों को संभालना और कभी किसी से राग द्वेष के भाव मत रखना तो निश्चित रूप से आत्र रोध ध्यान आपके जीवन में नहीं होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, मैं ममता गोधा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अपन पूजा करते हैं तो कभी कभी ये बिंब रहते हैं, तो हमें उनके नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो ये वास्तु का विषय है, वास्तु शास्त्र में ऐसा आया है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किसी भी बिंब के नीचे बैठ करके नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसका तात्पर्य है कि बिंब एक वजन है, क्या है, भार है, और जीवन में कोई भार अगर शरीर पर हो तो फिर काम आकुलता के साथ होता है, निराकुलता के साथ नहीं होता है। तो ये वास्तु संबंधित है और जब हम पूजा अभिषेक करते हैं तो हमें निर्विकल्प होकर के करना चाहिए। अब जब ये शरीर लोहे का होता है, बिंब किसका होता है, लोहे का होता है, तो लोहे का बिंब होता है तो जो उसमें लोहा वो शल्य का काम करता है, किसका काम करता है, शल्य। तो जब हम उसके नीचे बैठते हैं तो शल्य के भाव हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे अंदर में खोटे खोटे विचार आते हैं। जैसे आप बिस्तर पर सोते हो ना और उसके बिस्तर के अंदर अगर बर्तन भर दो, कपड़े भर दो फटे पुराने, तो फिर स्वप्न भी ऐसे ही आएंगे, ये वास्तु कहता है। तो ये तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी पूजा के समय में ऐसे बिंबों में, इसलिए पहला नियमित शास्त्र में बनाया है कि मंदिर जब बनते हैं तो लोहे का उपयोग ही होना ही नहीं चाहिए। किसका उपयोग नहीं होना चाहिए, लोहे का उपयोग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर में
चाहे भगवान के हो चाहे व्यक्ति पे हो, भजन होना ही नहीं चाहिए। विवेक का बिंब निश्चित रूप से हमारे अंदर पूजा के फल को कमजोर करता है। किसको करता है? पूजा के फल को कमजोर करता है। इसे कमजोर करता है कि लोहे के साथ बैठ करके, लोहे के टीन के नीचे बैठ करके हमें भगवान की आराधना उपासना करना ही नहीं चाहिए। वो शल्य का काम करता है, दरिद्रता का काम करता है। क्या काम करता है? दरिद्रता का, दरिद्रपना भी आता है। और जो लोहे के नीचे बैठ करके पूजन करता है ना, उनके ग्रह दशाएं भी बिगड़ जाती हैं। क्या बिगड़ती है? ग्रह दशाएं भी बिगड़ती है। कभी इस पर चर्चा करेंगे कि ग्रह दशाएं, यानी आपके कुंडली देख करके आपके घर में किस कोने में क्या है और किस कोने में क्या चल रहा है, हम बता सकते हैं अपन ये चीज़ को कि आपकी कुंडली में देख लिया, या आपके घर को देख करके आपकी कुंडली बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या होगा। ये मैं को एक सुधा उदाहरण दिखाता हूँ। आप बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे अभी, बहुत ज़ोर से है ना, और इतने में समाज में मंदिर के कोई अध्यक्ष आ गए तो आपकी आवाज़ कम होगी कि बढ़ेगी? हाँ, क्यों कम होगी? थोड़ा सा डर है ना, तो ऐसा, हाँ डर है, भय है कि अभी क्या कह देंगे अपन को। तो ऐसा ही वास्तु में भी है कि कौन सी चीज़ को देख करके भाव कैसे और परिणाम कैसे होते हैं, है ना। कोई भाव और परिणाम ऐसे होते हैं, तो उन चीज़ों को देख करके हमारे शास्त्रों में कहा है कि ये शल्य का काम करता है। जितने बिंब हैं वो वजनदार है, और वो सारा वजन जब हमारे सिर पर आ जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम नेहरा, वेद बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश, प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप, सविता सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।